सो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिर से मिचेल ताल वर्सेस लियोनाइट्स टीम। सो लेट्स बिगिन। इस गेम में भी लियोनाइट्स टीम ही जीते थे और वो वाइट से ही खेल रहे थे। उन्होंने सी फोर से स्टार्ट किया, बोर्ड से क्वीन, नाइट टू एफ सिक्स, देन जी थ्री, ई सिक्स, बिशप टू जी टू, ई फाइव, नाइट टू एफ थ्री, बिशप टू ई सेवन, शॉर्ट कैसल, डी फोर, सी सिक्स, क्वीन टू सी टू, बी सिक्स, रुक टू डी वन, बिशप टू बी सेवन, नाइट टू सी थ्री, नाइट बी टू बी सेवन। उसके बाद खेला गया बी थ्री, रुक टू सी एट। अगर आप रुक टू सी एट के अलावा कुछ और खेलते जैसे कि सी फाइव, तो उसके बाद सी क्रॉस बी फाइव, ई क्रॉस बी फाइव, डी क्रॉस सी फाइव, उसके बाद बी क्रॉस सी फाइव होने के बाद ये पोन बहुत ज़्यादा टारगेटर बन जाता है। ये बहुत वीक भी होता है, इसलिए उस क्वेश्चन में रुक टू सी एट, ई फोर और सी फाइव। बेस्ट मूव एक्चुअली पोन क्रॉस ई फोर थी, लेकिन सी फाइव खेला गया, ई क्रॉस डी फाइव, ई डी क्रॉस सी फाइव, उसके बाद डी क्रॉस सी फाइव, डी क्रॉस सी फोर और बी फोर। ये बहुत कनिंग मूव है, क्योंकि अभी वैसे भी कैप्चर किया गया और अब ये और भी करेंगे बी फाइव। अब क्लियर कट वाइट को एक पास पोन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके पास ब्लैक के पास सिर्फ एक ही पोन है किंग क्वीन साइड पर, और वाइट के साथ पास दो है, इसलिए इस पोजिशन में एक पास पोन तो मिलना जरूरी है, क्योंकि क्वीन टू बी सिक्स, बिशप टू एफ फोर, ए फोर और क्वीन टू ए फाइव, सब ए फोर और क्वीन टू ए फाइव। अभी यहाँ पे नाइट जो सी थ्री पर है वो बहुत ज़्यादा अच्छी पीस है, एनीवेज नाइट टू डी टू, और यहाँ पे अच्छा मेन्यूअर किया है, क्योंकि देखो अब नाइट टू डी टू खेलने के बाद पहले तो इस पोजीशन में ब्लैक वाइट को फिर से अपना एक पॉन मिल जाएगा। देखते हैं कैसे गेम में बिशप कैप्चर जी टू और अब नाइट कैप्चर सी फोर। अब ये क्वीन मूव होने के बाद हम सिंपली इस बिशप को ले सकते हैं राइट, क्योंकि अगर क्वीन सपोज की यहाँ पे मूव हो, यहाँ पे कहीं पे भी मूव हो, क्योंकि बाद में हम बिशप को कैप्चर कर लेंगे, इसलिए क्वीन टू बी को नाइट पर अटैक किया है। और अब नाइट टू ए टू, मतलब हम बिशप को कैप्चर करेंगे, डिस्कवर्ड प्रोटेक्शन दिया है नाइट को और क्वीन पर अटैक भी किया है, और फाइनली यहाँ पे क्वीन ट्रैप हो चुकी है, इसलिए बिशप टू ई को, नाइट कैप्चर जोन बी को, बिशप कैप्चर जोन सी टू और नाइट कैप्चर जोन सी टू। अब ये फिर से इक्वल पोजिशन हो चुकी है, नाइट टू बी सिक्स और रुक कैप्चर डी एट चेक। इस पोजिशन में आप किससे चेक को बचाओगे, रुक से या फिर बिशप से? गेम में एक्चुअली बिशप से क्या गया, ठीक है, हम इसका भी देखेंगे। अगर आपने अभी पहले अगर आपने यहाँ पे रुक से किया तब नाइट कैप्चर बी सिक्स हो सकता है, और ए कैप्चर बी सिक्स, बिशप टू सी सेवन, तो अब दोनों पर अटैक हो गया, और इसको बचाने के लिए सिर्फ रुक टू डी टू खेला जा सकता है नाइट पर अटैक करना। अब नाइट टू ई थ्री, डी एट और अब नाइट टू सी फोर, अब इस फोर पे पोन मिल जाएगा, इसलिए एक पोन चला गया, इसलिए उस पोजिशन में बिशप कैप्चर डी एट चला गया, और अब नाइट टू ई थ्री चला गया, और अब नाइट सी फोर।
सॉरी नहीं, इस नाइट सीक्वल होने के बाद नाइट फिर से कैप्चर किया सीक्वल पर और नाइट टू डी फाइव। इस पोजिशन में बिशप पर अटैक तो जरूरी है लेकिन उसको कैप्चर करने के बाद इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसे रुक डी वन और कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई लिए डी वन ने दिए और मिथल ताले बी सिक्स खेला, क्योंकि अगर आप राजर देन इसे मारते भी हो तो उस केस में हम सिंपली पॉन से कैप्चर कर देंगे और अब ये दो पॉन मिलकर वाइट को जीत दिला देंगे। इसलिए नाइट बी सिक्स, उसके बाद नाइट टू डी सिक्स, नाइट एक्सचेंजेस को डिक्लाइन किया, अब रुक टू ए एट और उसके बाद ए फाइव। अब इस पोजीशन में नाइट टू ए फोर खेला गया और उसके बाद नाइट टू सी एट। अगर आप खेलते हो फिर से एक्सचेंजेस ऑफर करने के लिए तो नाइट सी फोर आ जाएगा और उसके बाद बिशप ई सेवन अगर आप खेलते हो चेकमेट को सेव करने के लिए तो बी सिक्स आएगा और फिर से अब गेम ओवर हो जाएगी। इसलिए नाइट ए फोर, उसके बाद नाइट सी फोर, नाइट सी थ्री, रुक टू ई वन और मुखलता ने मूव छोड़ते हुए एक एक पॉन के बदले में अपना एक पीस दे दिया नाइट कैप्चर्स। और अगर आप इस केस में बिशप टू एफ सिक्स खेलते हो फिर से चेकमेट को बचाने के लिए तो बी सिक्स आएगा और ये पॉन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए उसके बाद ए कैप्चर्स बी सिक्स आ सकता है, ए कैप्चर्स बी सिक्स, नाइट टू डी फाइव, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव होती और B7 फिर से। इसलिए बिशप कैप्चर्स पॉन खेलना पड़ा, नाइट टू A5, नाइट पर B5, उसके बाद रुक टू E5, फिर से पॉन पर अटैक किया, अब नाइट टू D4, क्योंकि इस पॉन को आप सपोज कि रुक टू C8 से बचाते हो तो नाइट टू C6 आ जाएगा जिस केस में आप विनेंगे फिर से, और इसलिए नाइट डी फोर खेला गया और अब रुक टू रुक क्रॉस सी फाइव होने के बाद मिखेल ताल ने रिजाइन कर दिया। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।